हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फूड एंड नेचर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी टमाटर की चटनी। तो इसके लिए मैंने गार्लिक ले लिया है, लहसुन, और ये टमाटर मैंने कट करके ले लिए हैं। तो अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ दोनों को एक साथ। देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, तो अब इसे चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसे मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं ऑयल ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, शौक के लिए मैंने इसमें ले लिया है जीरा, राई और थोड़ी सी मेथी। तो इसे अब हम तेल में डालते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें टमाटर और लहसुन का जो पेस्ट रेडी किया है उसे डाल देते हैं। इसमें हम लोग नमक ऐड कर दे रहे हैं। इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और इसे अब हम कवर कर देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए, इसका पानी सूख गया है काफी। इसे थोड़ी देर के लिए और हम रखेंगे। अब इसे चेक करते हैं, अच्छे से पक गया है हमारा चटनी। चटनी हमारी पक गई है अच्छे से। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी राजस्थानी टमाटर लहसुन की चटनी रेडी हो गई है। तो आप भी जरूर इसे ट्राई करिए और आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।